हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एफ ए ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 2, वंडरफुल वेस्ट ऑफ यूनिट फर्स्ट। टेक आउट एंड ओपन योर इंग्लिश बुक एट पेज नंबर 10। चैप्टर नंबर 2, वंडरफुल वेस्ट। बच्चों, वेस्ट क्या होता है? वेस्ट का मतलब होता है बेकार, यानी जो चीज़ हमारे काम की नहीं होती। अब यहाँ पर वेस्ट के साथ वंडरफुल लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्या वेस्ट भी वंडरफुल हो सकता है? वही आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं कि वेस्ट भी यूज़फुल हो सकता है। कैसे? अपने आप पढ़कर इस स्टोरी से हम पता करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। वंस द महाराजा ऑफ त्रावणकोर ऑर्डर्ड ए ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। एक बार त्रावणकोर के जो महाराजा थे, उन्होंने अपने पैलेस, कहते हैं महल, यानी महल में एक बहुत बड़ा डिनर ऑर्डर किया रखा। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, दोपहर में डिनर से पहले, द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। महाराजा किचन में एंटर करते हैं, यानी जाते हैं ये देखने के लिए कि फीस्ट के लिए यानी दावत के लिए कौन कौन सी डिशेज तैयार हो रही हैं। वो ये देखने के लिए किचन में जाते हैं। वॉट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स, ही आज द कुक। अब वो जब किचन में जाते हैं तो कुक से पूछते हैं कि तुम उन वेजिटेबल स्क्रैप्स यानी सब्जियों के छिलके, अब वो कुक से पूछते हैं कि तुम इन वेजिटेबल स्क्रैप्स का यानी सब्जियों के छिलकों का क्या करोगे। पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक, यानी कुक के पास ही जो स्क्रैप की यानी छिलकों की बास्केट रखी होती है उसकी तरफ इशारा करते हुए वो उससे पूछते हैं। द कुक रिप्लाइड, फिर कुक जवाब देता है, दे आर वेस्ट, वे सब वेस्ट हैं, यूजफुल नहीं है, यानी हमारे काम की नहीं है। वी विल थ्रो देम अवे, हम उनको फेंक देंगे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसीज ऑफ वेजिटेबल, फाइंड अ वे टू यूज देम। अब महाराजा जो होते हैं उनसे कहते हैं कि तुम इन सारे पीसीस को, वेजिटेबल्स के जो पीसीज हैं उनके छिलके हैं, उनको वेस्ट नहीं कर सकते। वो कहते हैं उनको तुम फेंक नहीं सकते, उनको इस्तेमाल करने का, यूज़ करने का कोई तरीका खोजो। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉक्ड अवे, महाराजा जो है सख्ती के साथ यह आदेश देकर वहाँ से चले जाते हैं। द कुक वॉज इन ए फिक्स एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। अब क्या होता है, जब महाराजा वहाँ से आदेश देकर चले जाते हैं तो कुक जो होता है वो बहुत मतलब परेशान हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि अब क्या करूं। फिर वो जो वेजिटेबल स्क्रैप होते हैं उनकी तरफ कुछ समय तक देखता रहता है। सडनली, अचानक ही, एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, फिर एक आइडिया जो है अचानक ही उसके माइंड में, दिमाग में आता है। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वॉश देम एंड क्लीन देम वेल, फिर वो सारी जो सब्जियों होती हैं उनको ले लेता है, उनको अच्छी तरीके से धोता है और उनको साफ करता है। देन ही कट देम इंटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, फिर उनको लंबी लंबी स्ट्रिप्स में काट देता है। ही पुट देम इन ए ह्यूज पॉट एंड प्लेस इट ऑन द फायर टू कुक, फिर उसके बाद वो क्या करता है, एक बड़े से बर्तन में उनको आग पर पकने के लिए रख देता है। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर, और फिर वो कुछ कोकोनट, ग्रीन चिलीज और गार्लिक उसमें डालता है, पीस कर उसमें डाल देता है। ही एडिड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स, और फिर वो इस पेस्ट को और कुछ नमक को उस पकती हुई सब्जियों में डाल देता है। अ टेम्प्टिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट, फिर उस पॉट से, उस बर्तन से एक बहुत ही मोहक, बहुत ही अच्छी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। नाउ ही व्हिप्ड सम कर्ड एंड एडिड इट टू द करी, फिर वो क्या करता है, उसमें कुछ दही डालता है करी के अंदर। ही आल्सो प्योर्ड ए फ्यू स्पूनफुल ऑफ कोकोनट ऑयल एंड डेकोरेटेड द डिश विथ करी लीव्स, और फिर उसके बाद वो कुछ जो है कोकोनट ऑयल उसके अंदर डालता है और उसको करी लीव्स से उस डिश को डेकोरेट कर देता है, सजा देता है। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी, अब क्या था, अब एक नई डिश तैयार थी। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट्स
दैट इवनिंग। अब कुक ने उस शाम मेहमानों को वो जो नई डिश थी उसको सर्व किया। एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। द कुक थॉट एंड थॉट, देन ए नेम कम टू हिज माइंड, ही नेम्ड इट एवियन। अब क्या होता है, जब वो नई डिश को सर्व करता है तो लोगों को बहुत पसंद आती है और हर कोई फिर उत्सुक होता है कि ये कौन सी डिश है, उसका नाम जानना चाहते हैं वो। फिर कुक जो है वो सोचता है, फिर अचानक ही उसके माइंड में एक नाम आता है, फिर वो उसका नाम क्या रखता है, एवियन। एवियन बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला। अब ये जो एवियन डिश है ये पूरे केरला में फेमस हो चुकी है एंड इज़ नाउ वन ऑफ द डिशेज इन ए ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। और केरला में जब भी कोई ट्रेडिशनल फीस्ट होता है तो वहाँ पर यह डिश बनती है। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम ए बास्केट ऑफ वेस्ट। और इमेजिन करने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि सारी चीज़ें, यानी ये डिश कहाँ से आई, कैसे तैयार हुई, बास्केट ऑफ वेस्ट से। इसीलिए इस चैप्टर का नाम वंडरफुल वेस्ट रखा गया है, यानी वेस्ट चीज़ से उसने सब्जियों की जो छिलके थे, टुकड़े थे, वो वेस्ट थे, उनसे उसने यूज़ करके एक बहुत ही अच्छी वंडरफुल डिश बनाई, इसलिए इस चैप्टर का नाम वंडरफुल वेस्ट रखा गया है। स्टूडेंट्स, अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, चलिए इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर है क्वेश्चन आंसर, यहाँ पर 3 क्वेश्चन हैं, उनके हमें आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वर द प्रिपरेशन इन द पैलेस फॉर, यानी महल में किस चीज़ के लिए तैयारियाँ हो रही थी। इसका आंसर है द प्रिपरेशन वर फॉर ए ग्रैंड फीस्ट इन द पैलेस। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द महाराजा गो इनटू द किचन इन द आफ्टरनून, दोपहर में महाराजा किचन में क्यों गए थे। आंसर है द महाराजा वेंट इनटू द किचन टू सी व्हाट डिशेज हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैड द कुक प्लान टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप। कुक ने क्या प्लान किया था कि वो जो वेजिटेबल स्क्रैप हैं थे, यानी सब्जियों के जो छिलके थे, उसने क्या प्लान किया था कि उनके साथ क्या करेगा। इसका आंसर है द कुक हैड प्लान टू थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप्स। स्टूडेंट्स, अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इन्हें अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। ये चैप्टर नंबर 2 के वर्ड मीनिंग है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट है पैलेस, पैलेस मीन्स होता है महल। फीस्ट कहते हैं दावत या भोज। ग्रैंड बहुत बड़ा। कमांड आदेश देना। स्टर्नली सख्ती से। स्टेयर घूरना। सडनली अचानक से। टेम्प्टिंग स्मेल मोहक खुशबू, यानी अच्छी सी खुशबू। कर्ड कहते हैं दही। ह्यूज पॉट बड़ा बर्तन। ईगर उत्सुक। ये भी आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखने हैं और लर्न करने हैं। 4, इंग्रेडिएंट्स आर द थिंग्स दैट आर यूज टू मेक ए डिश। सर्किल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ एवियल इन द बॉक्स बिलो। इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, वो चीज़ें होती हैं जो हम एक डिश को बनाने में यूज़ करते हैं। अब हमें क्या करना है, नीचे एक बॉक्स दिया है, यहाँ पर कुछ सामग्री दी गई है जो एवियल डिश बनाने में यूज़ की जाती है, तो उसके ऊपर सर्किल लगाना है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी हैं। एवियल में क्या क्या डाला था, चिलीज़, इस पर सर्किल लगाएंगे, कोकोनट, गार्लिक, कर्ड, वेजिटेबल स्क्रैप्स और करी लीव्स। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। नीचे लिखे स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं ये पढ़कर बताने हैं। फर्स्ट है द किंग हैड ऑर्डर्ड ए डिनर इन द पैलेस। जो महाराजा था उसने अपने महल में एक डिनर ऑर्डर किया था। ट्रू, सही है, ट्रू लिखेंगे। सेकंड, नो वन हैड हर्ड ऑफ और टेस्टेड एवियल बिफोर। किसी ने भी एवियल के बारे में पहले नहीं सुना था और ना उसको टेस्ट किया था। ट्रू, ये भी सही है, ट्रू लिखेंगे। थर्ड है द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स। कुक ने दूसरी डिश बनाने के लिए प्लानिंग की थी, प्लान किया था उन सब्जियों के छिलकों से। ये गलत है, इसके लिए फॉल्स लिखेंगे। ये भी आप बुक के अंदर ही फिल करेंगे। यहाँ पर एवियल डिश बनाने के लिए एक रेसिपी दी है जो हमारी प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। अब हमें क्या करना है, उनको रीड करके सही क्रम में लगाना है, यानी पहले नंबर पे क्या डालेंगे, फिर दूसरे में क्या डालेंगे,
फर्स्ट है यहाँ पर देखिए, वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल बिट्स, पहले नंबर पे यहाँ आएगा। सेकंड, कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। फिर थर्ड है, ग्राइंड सम कोकोनट ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक। फोर्थ है, व्हिप सम कर्ड एंड मिक्स इट इन। फिफ्थ आएगा, प्योर सम कोकोनट ऑयल ऑन टॉप। सिक्स है, डेकोरेट विथ करी लीव्स। और लास्ट है, सेवेंथ एवियल इज रेडी। ये करेक्ट ऑर्डर है, इसी तरीके से आपको बुक के अंदर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर टू, गिवन इन द बॉक्स आर सम थिंग्स दैट चिल्ड्रन डू आफ्टर दे रीच होम फ्रॉम स्कूल। नीचे एक बॉक्स दिया है और उसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो बच्चे स्कूल से घर पहुंचने के बाद करते हैं। चूज फाइव थिंग्स दैट यू डू व्हेन यू रीच होम फ्रॉम स्कूल, राइट देम इन ऑर्डर। अब आपको इसमें से क्या करना है, इसमें से पांच चीज़ें आपको चूज करनी है जो आप स्कूल से घर पहुंचने के बाद करते हैं, फिर उन्हें ऑर्डर में लिखना है। जैसे यहाँ पर नंबर भी डले हुए, पहले आप क्या करते हैं, फिर आप क्या करते हैं, फिर आप क्या करते हैं, तो मैंने इस पर नंबर डाला है। फर्स्ट देखिए, सबसे पहले आप क्या करते हैं जब स्कूल से घर जाते हैं, पुट अवे स्कूल बैग, स्कूल का बैग रखते हैं। फिर सेकेंड नंबर पर, चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल की यूनिफॉर्म चेंज करते हैं। फिर उसके बाद वॉश अप, हाथ मुंह वगैरह धोते हैं। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, हैव लंच, आपका जो लंच है वो लेते हैं। और फिर फाइव नंबर पर, डू द होमवर्क, फिर जो भी आपका होमवर्क होता है वो आप करते हैं। वैसे तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं, लेकिन क्योंकि हमें सिर्फ पांच ही चीज़ें लिखनी है, इसीलिए मैंने इन पर नंबर डाले हैं। ये आप यहाँ पर बुक में आपके स्पेस दिया है, 1 2 3 4 5 करके आप यहाँ पर लिखेंगे। स्टूडेंट्स, आपको इसके क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग कॉपी के अंदर लिखने हैं और करने हैं, और बाकी जितना भी अदर वर्क मैंने बताया है वो बुक के अंदर ही फिल करके कंप्लीट करेंगे। दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे एंड नाउ लेसन नंबर 2 इज़ ओवर। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।